तो ज्ञानवापी का मुद्दा आजकल चर्चाओं के केंद्र में है। अदालत की तरफ से एक सर्वे करवाया गया ज्ञानवापी परिसर में, जिसके बाद तमाम तरह के दावे निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, 26 साल पहले भी ऐसा ही एक सर्वे करवाया गया था। उसकी रिपोर्ट क्या कहती है और कहां तक पहुंचा था वो मामला इस रिपोर्ट में देखिए। ज्ञानवापी को लेकर हो रहे हंगामे के बीच माहौल गर्म है। विवादित स्थल को लेकर हर कोई अपना तर्क दे रहा है। इस बीच अगर इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि ज्ञानवापी के सर्वे का मामला नया नहीं है। श्रृंगार गौरी मंदिर में नियमित दर्शन और आदि विश्वेश्वर परिवार के विग्रहों को यथास्थित रखे जाने से जुड़ी याचिका पर कोर्ट के सर्वे वाले आदेश से पहले भी कमीशन की कार्यवाही में हिंदू मंदिर के भग्नावशेष मिलने का सच सामने आ चुका है। इतना ही नहीं, विवादित जगह की 15 अगस्त 1947 को धार्मिक स्थिति क्या थी, इसको तय करने के लिए पुरातात्विक सर्वेक्षण का भी कोर्ट ने आदेश दिया था। फिलहाल मामला हाई कोर्ट में लंबित है। ज्ञानवापी परिसर में 26 साल पहले यानी कि 1996 में कमीशन की कार्यवाही सिविल जज के आदेश पर हुई थी। कमीशन की कार्यवाही रिपोर्ट में साफ कहा गया था कि विवादित स्थल के चारों तरफ प्राचीन काल की निर्मित पुष्टि मिली है जो पुराने मंदिर का अवशेष लग रही है। वहीं पश्चिम दिशा की तरफ मंदिर के भग्नावशेष का ढेर है जो बड़े चबूतरे के रूप में स्थित है। रिपोर्ट में यह भी साफ कहा गया कि भग्नावशेष के ऊपर ही मस्जिद नुमा ढांचा निर्मित है। रिपोर्ट में पूर्व दिशा में परिक्रमा पथ से हटकर हनुमान जी की प्रतिमा और मंदिर के साथ साथ गंगा देवी व गंगेश्वर मंदिर के मौजूद होने का भी जिक्र है। एडवोकेट कमिश्नर राजेश्वर प्रसाद सिंह की सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही 2019 में सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक की अदालत ने ज्ञानवापी परिसर का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को रडार तकनीक से सर्वे का आदेश दिया था। इस सर्वेक्षण में अल्पसंख्यक समुदाय समेत 5 विख्यात पुरातत्वेताओं को शामिल करने समेत पुरातत्व विज्ञान के एक विशेषज्ञ और बहुत ज्यादा अनुभवी शख्स को कमेटी के पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी दिए जाने का आदेश दिया गया था। हालांकि अदालत के इस आदेश पर हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई, जो अभी भी प्रभावी है।